Okay, good evening everyone. So today we're going to start with chapter 2nd of class 10th history, that is National Zamin India. Although aapke dimag mein question hoga ki chapter 1 kyun nahi hai ya phir ye chapter kyun. So currently we just want to go with the flow jo abhi matlab ki schools mein chal raha hoga, jo matlab assume kiya ja raha hai ki ye wala chal raha hoga aur baaki ki videos bhi aapko aa jayengi. Ye bas isliye ki chal raha hai to bachchon ko thoda samajh mein bhi aa jaye. Okay, now nationalism in India. If you might have see gone through the chapter 1 of history, okay, in class 10 you might have heard about nationalism in Europe. Now yahan pe two words hai. One is nationalism, okay. So nationalism word ka meaning kya hota hai? Nationalism word ka meaning hota hai when the feeling is mutual to create a nation state where all the people are connected by one single specific motto, that is their own sovereignty and their own ethnicity and their own feeling to be a nation. मतलब जो जब लोगों में एक देश की भावना आ जाती है कि भाई हम स्वतंत्र होने चाहिए बाहरी किसी हस्तक्षेप के और हमारा एक देश होना चाहिए, हमारी बाउंड्री होनी चाहिए, दैट फीलिंग इज नोन एज नेशनलिज्म. इट फर्स्ट केम इन टू यूरोप, देन इट केम इन टू इंडिया. ना वाई इट केम इन टू इंडिया आफ्टर यूरोप, बिकॉज एट दिस मोमेंट वॉट हैपन, देर लॉट्स ऑफ स्कॉलर्स, देर लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्टेड रीडिंग. ओके, इट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी इंडिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्कॉलर्स पैदा किए थे जिन्होंने इसको देखा. इवन इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फर्स्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ओके. सो वहाँ से भी हमने देखा सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन को फॉलो भी किया था. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेशनलिज्म इन इंडिया. नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, बिकॉज इट वॉज 20th सेंचुरी, सॉरी, बिकॉज इन दिस अर्ली 20th सेंचुरी वॉट हैपेंड, उससे पहले क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे एरियाज में ब्रिटिशर्स से क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे. ओके, सो अब ब्रिटिशर्स वर वे मोर पावरफुल इन नेम ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे वर टेकिंग फ्रॉम अस एंड अटैकिंग अस. वो हमारा ही मनी यूज करके हम पर ही टैक्स से हमला कर रहे थे. ओके, एंड दे वर क्वाइट कनिंग ऑल्सो. ओके, सो बट वॉट हैपेंड, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, हम लोग अलग अलग थे, इस वजह से उन्होंने हमें क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स में होने की वजह से उन्होंने हमें फिनिश कर दिया. ओके, उन्होंने हमें हरा दिया. बट अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अब मास मूवमेंट्स होने लगे, वो भी नेशन वाइड. इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो 1857 का रिवोल्ट की अगर बात करें तो उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था. बट दीज मूवमेंट्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, द एंटायर मूवमेंट वॉज लेड बाय इंटेलेक्चुअल क्लासेस, ओके, एंड यूथ लाइक भगत सिंह. सो एंटायर इंडियन यूथ आइडियलाइज दैट पर्सन, ठीक है ना. इसलिए पूरा देश अब क्या आ चुका था, एक आ चुका था. एफर्ट्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी इंडिया में जैसे आए, ठीक है, तो उनको सलाह दी गई कि आप पहले भारत भ्रमण कीजिए, और उन्होंने भारत भ्रमण किया और पूरे देश को जाना, उन्होंने लोगों को समझा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने वो स्टेप्स उठाए जहां से कि हर एक इंसान को जोड़ा जा सके, ठीक है ना. लाइक देयर वर लॉट्स ऑफ कास्टिज्म एट दैट टाइम, सो लेकिन उन्होंने हर तबके के लोगों को अपने मूवमेंट्स में इंक्लूड किया. So from there the feeling of nationalism began into India. Now as we have seen, modern nationalism in Europe came into associated with the formation of nation states. Nation states kya hote hain, jab aapke ek hi group ke log aur ek hi desh ke log aakar ke desh banate bina kisi bhari hastakshep ke, okay, aur unke ek definite territory hota hai, okay. Now it is also meant a change in people's understanding who they are and what they define their identity and sense of belonging. For example, what is my identity? I am an Indian. जब सभी देश के जब एक सभी एक टेरिटरी के अंदर मान लो ये सर्किल है और इस सर्किल का हर एक आदमी जब ये सोचने लग जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन, तो इंडिया क्या बन जाएगा, एक नेशन स्टेट. ओके, नाउ
न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज, फॉर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया? ओके, बहुत से देशों को ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगा. आप लोगों ने अगर भारत माता की एक फोटो पिक्चर देखी होगी. सॉरी, मैं थोड़ा गलत, शायद हो सकता है मेरे से थोड़ी गलत बन जाए, लेकिन भारत माता की एक पिक्चर थी बहुत फेमस सी. ओके, सो भारत माता यहां सेंटर में होती है. तो ये क्या बना दिया गया था? ये बना बता रहा था कि पूरा कंट्री एक है, ठीक है, और ये भारत माता पूरे इंडिया को डिनोट करती थी. ओके, सो दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन डूइंग व्हाट? मेकिंग इंडिया into a nation state. Okay, next. In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Now, what do you mean by anti-colonial movement? So, hua kya, jaise hum Britain tha, Britain ne jagah jagah apni kya bana rakhi thi? Colonies bana rakhi thi. ठीक है, और ये लोगों को प्रताड़ित. अफ्रीका, अफ्रीका देश जो है वो पूरा रिसोर्सफुल कंट्री, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन. जो भी कुछ वहां पे पैदा हुआ, जो भी कुछ वहां से निकला, वो सब कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज वाले ले गए. तो उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट शुरू हुई, बीट वियतनाम बीट इंडिया, तो उनको जब किसी कॉलोनाइजर के खिलाफ में मूवमेंट शुरू होता है, जैसे हमारे पर ब्रिटिशर्स थे, हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया, तो उसको हम क्या नाम बोलेंगे? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. ओके, दिस सेंस ऑफ ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनाइजम प्रोवाइडेड शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी ग्रुप्स टुगेदर. अभी जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप के लोग इनसे, कॉलोनाइजर से यानी ब्रिटिशर से परेशान थे. इनसे परेशान कौन थे? इनसे परेशान इंटेलेक्चुअल क्लास भी थी, ठीक है, इनसे परेशान मिडिल क्लास भी थी, इनसे परेशान लोअर क्लास भी थी. बिकॉज इंडिया वॉज वर्स्ट हिट बाय फेमाइंस एंड अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया. इवन अगर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, सो इंडिया का जो सबसे भयंकर फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल, वो पड़ा था 1943 में. ओके, लेकिन 1943 में क्या हुआ? जब भारत के लोगों को अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब भारत के लोगों को ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. तो विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इनको मरने दो, इनको मरने दो, हमारे पास इनसे बड़ी प्रॉब्लम है. और इसका नतीजा ये हुआ कि मिलियंस में हमारे देश के गरीब लोग मारे गए थे. ओके, सो ये क्या था? एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स थे, ठीक है ना, और अलग अलग ग्रुप के लोग आ रहे थे. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो 20th century के जो इंडियन मूवमेंट्स थे, वो किसने लीड किए थे? इंटेलेक्चुअल क्लास ने लीड किए थे, ठीक है. नाउ, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट देयर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली. देयर एक्सपीरियंसेस वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट ऑलवेज द सेम. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप टूगेदर विद इन वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. अभी बस एक प्रॉब्लम थी, ये सभी लोग साथ में एक दुश्मन के खिलाफ तो लड़ रहे थे, लेकिन इनका जो मोटो था वो अलग अलग था, ठीक है, उनके मोटो अलग अलग थे. और कांग्रेस ने ट्राई भी किया था, महात्मा गांधी ने ट्राई भी किया था कि सभी लोगों को एक साथ लाया जा सके, ठीक है, हालांकि ये यूनिटी ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं थी. ओके, इन द अर्ली टेक्स्ट बुक वी हैव रेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. इन दिस चैप्टर वी विल पिक up the story of the from the 1920s and study the non-cooperation and the civil disobedience movements. We will explore how Congress sought to develop the national movement and how the different groups participated in the movement and how nationalism captured the imagination of people. Now, यहाँ पे बात की गई एक movement के बारे में, non-cooperation. देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स, एक सिविल डिसोबीडियंस और एक होता है नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन की हम आपके साथ में कोई आप जो करेंगे हम वो काम करेंगे नहीं. आप स्कूल, आपने स्कूल बनाए, हम स्कूल में जाएंगे नहीं, हम आपसे कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, ठीक है. आपने हमसे कुछ सामान मांगा, हम आपको देंगे नहीं, हम आपसे कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, ठीक है. सो इन दोनों मूवमेंट्स में क्या हुआ था? इन दोनों मूवमेंट्स में लार्ज स्केल, इवन NCM जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, वो तो बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, ठीक है. लेकिन एक इंसिडेंट हुआ 1922 में चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था. उस इंसिडेंट के बाद में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया था? कॉल ऑफ कर लिया था, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें भी हुई थी. और इसी के विद्रोह में
सी आर दास एंड बोस ने एक पार्टी भी बनाया था, स्वराज पार्टी. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन. ना पहले ये समझने की जरूरी है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां से आ गया. सो हुआ क्या था, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया को प्रॉमिस गया था कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ पर्क्स मिलेंगे, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे. इंडियन लोग खुश हो गए थे कि शायद ये गवर्नमेंट हमें फ्रीडम दे देगी या फिर हमें कुछ स्वराज का राइट दे देगी, ठीक है. लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया. इनफैक्ट उन्होंने, जब हमने डिमांड शुरू की, तो उन्होंने हम पर सबसे भयंकर जो लॉ था, रोलेट एक्ट, वो इम्पोज कर दिया, ठीक है. एंड रोलेट एक्ट की वजह से ही 13 अप्रैल 1999 को क्या हुआ था, बैसाखी वाले दिन जलियांवाला कांड हुआ था. ओके, नाउ सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए आया. खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सेंट्रल पावर्स थी, जिसमें कि ऑटोमन एम्पायर था, जो कि आज के मॉडर्न डे तुर्की देश का है, उसके बाद में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर था, ठीक है. होता क्या है, एलाइज जो होती हैं, यानी ब्रिटेन वाले जो देश होते हैं, ब्रिटेन ग्रुप के जो देश होते हैं, वो लोग किसको हरा देते हैं, सेंट्रल पावर्स को हरा देते हैं. सेंट्रल पावर्स को हराने के बाद में उस टाइम तक क्या होता है, जो आपके ऑटोमन एम्पायर था, उसको एक खलीफा रूल किया करते थे. ना खलीफा कौन थे? खलीफा ये थे कि पैगंबर मोहम्मद की 632 ईस्वी में मौत के बाद में जो उनकी गद्दी पर बैठता है, या फिर जो एक प्रकार से धर्म गुरु बनता है, उनको खलीफा बोला जाता था, ठीक है. जैसे पहले जो खलीफा थे 632 से 634 ईस्वी तक, वो थे अबू बकर. ओके, सो ऐसे ही खलीफा कौन, खलीफा को हटाकर ब्रिटिश सरकार क्या कर देती है, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार होती है, वो हटा देती है इन्हें. तो इनको गद्दी पर वापस से बैठाने के लिए, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया के अंदर दो भाई होते हैं, अली ब्रदर्स, वो क्या करते हैं, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करते हैं. और खिलाफत मूवमेंट का किसका साथ मिलता है, एनसीएम का साथ मिलता है. तो ये दोनों कम्युनिटीज क्या हो गई, खिलाफत में बेसिकली मुस्लिम मूवमेंट है, एनसीएम सबका था, ठीक है. तो दोनों दोनों क्या आ गए, साथ आ गए और एक मास मूवमेंट बन गया. इसी वजह से इस मूवमेंट को भी क्या बोला जाता है, नेशनलिज्म की फीलिंग, क्योंकि एक मास मूवमेंट बन चुका था. क्योंकि दो अलग अलग, भले इनके डिफरेंसेस अलग अलग हों, वो किसी और काम के लड़ रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि भाई खलीफा को वापस बैठाया जाए, लेकिन इन दोनों का जो मकसद क्या था, दैट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंटी कॉलोनियल था. भले ही इनके मकसद अलग अलग हों, लेकिन इनका दुश्मन एक ही था, ब्रिटेन. ओके, सो इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने किसको जन्म दिया था, नेशनलिज्म इन इंडिया को. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. वॉर ने क्या किया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी. इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच हैड फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. अभी जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत चालाक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉर वो खुद का लड़ रहे हैं, क्योंकि हिटलर, सॉरी हिटलर नहीं, वर्ल्ड वॉर वन में अगर जर्मनी जीतता तो उसके इंग्लैंड क्या है, उसके पास में सबसे ज्यादा नुकसान उसको था, लेकिन उसके देश का जो भी खर्चा हो रहा, डिफेंस डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा था, वो कौन पे कर रहे थे, जिन देशों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था, ठीक है. तो ये सब देश क्या कर रहे थे, उनके पैसों को बेयर कर रहे थे. ओके, सो इसके अगेंस्ट में, इसकी वजह से क्या हो रहा, अब ज्यादा पैसे अगर वो चार्ज करेंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, ठीक है. और आम जनता को आपने पहले से मारा हुआ है, उनके बिजनेस छीन लिए, उनका आपने जीवनी छीन ली, और आप उन पे और टैक्स क्या कर दिया, आपने बढ़ा दिए. सो अभी क्या हो रहा, अभी नेशनलिज्म बिल्ड हो रहा है, तो वो ये एक्शन है जिनकी वजह से नेशनलिज्म क्या होगा, बिल्ड होगा. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए. थ्रू द वॉर ईयर्स ऑफ प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड डबलिंग बिटवीन 1939-18, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है. So, ये सब क्या है, ये कॉजेज हैं, किस चीज के लिए, कॉजेज फॉर नेशनलिज्म के लिए, कि नेशनलिज्म कैसे बना, उसके कॉजेज हैं ये. गांव से लोगों को क्या किया गया, जो भी फिट सा दिखता उसको किस में भर्ती कर दिया जाता, सेना में भर्ती कर दिया जाता, ठीक है. उसको पता भी नहीं कि वो किससे लड़ रहा है, उसको पता भी नहीं है क्यों लड़ रहा है, बस वो लड़ रहा है. और वहां पे एक मर भी गया तो भी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो क्या है, गुलाम है. ओके, ये फीलिंग थी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट इंडियंस. ओके,
Now, in rural areas, caused widespread anger. Then, in 1918, 1919, and 2020 and 2021, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. अभी इन सालों में क्या हुआ? फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई. क्योंकि पहले हमारे पास बोरवेल्स तो हुआ, ट्यूबवेल्स बोरवेल्स हुआ नहीं करते थे, हमारे पास कुएं हुआ करते थे. कुएं किससे भरेंगे? बारिश के पानी से ही भरेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो तो काफी नीचे होती है, और इतना गहरा कुआं हो नहीं सकता कि वो उसको चार्ज करता रहे. ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, हम बारिश पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, और उसमें भी कभी बारिश हो रही, कभी नहीं हो रही, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई. तो उससे क्या होता? फसल बर्बाद होती, और इन सालों में फसल बर्बाद हुई, और हमारे पर क्या हो गया? हमारी क्रॉप्स फेल हो गई, लेकिन टैक्सेस क्या रहे? हाई रहे, टैक्सेस कम नहीं किए गए. ठीक है? तो इन कारणों से लोगों में क्या था? आक्रोश था. ओके, आफ्टर दिस वॉज हैपेंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921, 12 टू 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक्स. यानी 12 से 13 लाख लोग मर गए. 13 यानी ये मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 12 13 का लगा लीजिए आप, हिसाब कितना होगा. ओके, 1 करोड़ के, 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हो गए? मर गए दो कारणों से, फेमाइंस एंड एपिडेमिक. एपिडेमिक होता है हेजा. पहले गाँव में हेजा फैलता था, बीमारी फैलती थी लार्ज स्केल पे, जिससे पूरा पूरा गाँव खाली हो जाता था, महामारी टाइप बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, पीपल होप दैट द हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वॉर वॉज एंडेड, बट दैट डिड नॉट हैपन. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. एंड ये जो न्यू लीडर, यहाँ पे बात हो रही है गांधी जी की, यहाँ पे बात हो रही है गांधी जी की. ओके, नाउ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. ओके, ये क्वेश्चन, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार पूछ लेते महात्मा गांधी भारत कब आए, वापस कब आए, 1915 में. सो महात्मा गांधी बेसिकली एक सही परिवार से, गुजरात के सही परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके उनके फादर वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके यहाँ पे सर्व करते थे. बाद में ये साउथ अफ्रीका चले गए, वहाँ पे इन्होंने एज अ लॉयर भी काम किया, और वहाँ पे इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था. साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किस चीज के लिए किया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक चीज चलती थी अपार्थेड, रंग भेद की नीति, जिसके सबसे फेमस लीडर हुए नेल्सन मंडेला. ओके, सो अपार्थेड के अगेंस्ट में महात्मा गांधी, आपने बहुत लोग कहानी सुनी होगी कि महात्मा गांधी एक बार ट्रेन में चढ़ने कोशिश करते हैं तो व्हाइट बोगी में चढ़ जाते, फिर व्हाइट बोगी से उनको चलती ट्रेन धक्का दे मार दिया जाता है. क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? सांवले वर्ण के थे. ओके, जिनकी वजह से उनको धक्का मार दिया जाता है. तो इसके अगेंस्ट में, और वहां पे जो इंडियंस रहा, इंडियन प्लांटर्स रहा करते थे, अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत से बहुत सारे लोगों को वहां पे ले जाके बसा दिया एक प्लांटेशन के लिए. सो उनको मिला करके उन्होंने इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह किया, और हमें राइट्स दिलवाए, वहां पे रिकॉग्निशन दिलवाया, वहां पे उन लोगों को क्या मिला? वोटिंग राइट, रिकॉग्निशन मिला. ओके, सो वहां पे सक्सेसफुल हुआ. सो वैसा ही कुछ उन्होंने यहाँ पे करने की सोची. ठीक है, सो 1915 में वो कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका में. ठीक है, वेर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद द नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच वॉज कॉल्ड सत्याग्रह. ओके, नाउ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, If the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. इनके अकॉर्डिंग सत्याग्रह में क्या होता है? अगर आप जिस चीज के लड़ रहे हो वो जस्टिफाइड है, वो न्याय संगत है और सही है, तो आपको हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है. आप सिंपली बस उस अपने उस बात पर डटे रहो. ठीक है ना? ढीठ बन जाओ. जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी ना कि मतलब किसी से फाइट कर सकता है. बच्चा क्या कर सकता है? जिद पे आ सकता है, और उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है माँ बाप को. तो सेम काम गांधी जी ने किया था, वो जिद्दी हो गए थे कि मुझे अगर ये चीज सही है तो ये चीज हमें चाहिए. ओके, नाउ एंड दैट वाज हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह. विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बट और बीइंग अग्रेसिव, सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. सो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ. ठीक ना? सत्याग्रह के जो दो मेन कॉम्पोनेंट है, सत्याग्रह के जो दो मेन कॉम्पोनेंट है वो है ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस. ओके, नाउ दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर. पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस. बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेट ट्रायंफ. महात्मा गांधी बिलीव्ड इन दैट
दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया. ठीक है, महात्मा गांधी की फीलिंग क्या थी? महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, अगर हम सच का साथ देते हैं और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, तो जो हम पर जुल्म कर रहा है एक बार को वो भी सोचेगा कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वॉयलेंस करेंगे, अगर मैंने आपको एक मारा तो ऐसा थोड़ी ना आप मेरी बात सुनोगे, आप भी मुझे एक मारोगे. ठीक है, लेकिन अगर आप मैं वहां पे बैठ खड़ा हूं या फिर मैं वहां पे सच्चाई जानने के लिए खड़ा हूं, तो आप एक बार तो सुनोगे भाई प्रॉब्लम क्या है. ओके, दैट वॉज हिज आइडिया. नाउ आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज वेरियस सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक. द पीसेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रिवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट द रिवेन्यू कलेक्शन बी relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize the Satyagraha movement amongst the cotton mill workers. Now, अभी आप देखो, एक जगह वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी जगह किसानों के लिए लड़ रहे हैं, और तीसरी जगह भी वो वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं. अब उस टाइम पे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन था इंडिया का, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर इन टू फार्मिंग एंड ऑल दिस वर्क्स, इनका साथ किसने दिया? गांधी जी ने दिया. ठीक है, नाउ अभी अगर हम इंडिविजुअल हम इन सत्याग्रहों को देखें तो ये वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि गांधी जी एक बार एक इंटरव्यू दे रहे थे बीएचयू के अंदर. ओके, सो वहां पर उनको एक इंसान जो था वो सुन रहा था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला. ना राजकुमार शुक्ला कहाँ से आया था? चंपारण बिहार से. वो गांधी जी से मिलता है, अपनी प्रॉब्लम उनको बताता है, और गांधी जी उसको प्रॉमिस करते हैं मैं आऊंगा. एंड वो वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे फिर वो चंपारण में जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, वो भी एज ए लॉयर थे वहाँ पे, वो भी उनसे मिलते हैं और भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, और इन सबके साथ मिलकर के वो सत्याग्रह डिमांड सत्याग्रह करते हैं वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट दूसरा जो हुआ था वो खेड़ा गुजरात के अंदर हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर जो वर्कर्स थे उनसे अंग्रेज क्या करते, टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से, लेकिन फसल खराब हो गई तो वो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे, तो उस टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए था उनको. ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने अभी भी क्या लड़ा है, क्या लड़ रहे थे अभी, वो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, वो अपने टैक्सेस में रियायत करना नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी वहां पे क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं. सेम जाता है कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. ओके, क्योंकि इनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई गई थी, इनको वेजेस नहीं मिले थे. नेक्स्ट द रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी बोला जाता है. ओके, रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी बोला जाता है. ओके, एम्बोल्डन विद द सक्सेस, गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट. दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स. इट गेव द गवर्नमेंट एनार्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड नॉट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. महात्मा गांधी वेंट टू नॉन वायलेंस, वॉन्टेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट unjust law which would start a hartal on April 6. Now, Rowlatt Act किस लिए लाया गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे कुछ वादे किए थे वर्ल्ड वॉर एंड के बाद में. ठीक, वर्ल्ड वॉर से पहले किए थे कि अगर जैसे वर्ल्ड वॉर एंड होगा हम आपकी जो स्वराज वाली डिमांड है उसको गौर करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, आपको कुछ तो राइट्स मिलेंगे. ओके, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किए थे. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, इसलिए जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसको बिना सुने बिना ट्रायल के, यानी कि उसको मौका ही नहीं मिलेगा जस्टिफिकेशन देने का, अपनी सफाई देने को, उसको किस में डाल दो, जेल में डाल दो. ठीक है, तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की सोची. ओके, नाउ रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन. अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड बाय दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, द ब्रिटिश administration decided to lamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10 April 1919, the police in Amritsar fired upon a peaceful profession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. Ye naam yaad rakhiyega, aapne bahut baar suna bhi hoga General Dyer. Now, hua kya?
जैसे ही महात्मा गांधी अनाउंस करते कि हम 6 अप्रैल को हड़ताल करेंगे, वैसे ही शुरू भी होता है और काम बहुत जोरों शोरों से शुरू होता है, जगह जगह पे हड़तालें होती हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत जो होती है वो डर जाती है कि कहीं ये लोग जो उस समय की जीवनी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो साधन था समाचार पहुंचाने का या एक दूसरे जगह जाने का वो था रेलवे, क्विकेस्ट मोड था, और साथ साथ टेलीग्राफ था ना। इनके कहीं पोल्स को पटरियां ना उखाड़ दें, पोल्स ना उखाड़ दें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन प्रोटेस्टर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ में क्या हुआ, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। और उस मार्शल लॉ की किस कमांड किसको दी, जनरल डायर को इन अमृतसर। ओके नाउ ऑन 13 अप्रैल द इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। Some came to protest against the government new repressive measure. Other had to attend a annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing 100. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of the guerrillas a feeling of terror and awe. Now, what happened? That 13 अप्रैल, जैसा मैंने बताया, उन्होंने क्या इम्पोज कर दिया था 10 अप्रैल के आसपास, मार्शल लॉ। तो इतना जल्दी इम्पोज किया था, और उस समय कोई मीडिया था नहीं कि लोगों को इंस्टेंटली पता चल जाए कि भाई मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। न्यूज पहुंचने में टाइम लगता था, इसलिए क्या था, 13 अप्रैल को दो चीजें थी, ठीक है। एक तो जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, कि जैसे मार्शल, इसमें क्या था रोलेट एक्ट में कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिना क्या बताए ट्रायल के जेल में डाल सकते। तो ऐसे ही दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह एंड सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अंग्रेजों ने बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया था। तो कुछ लोग तो उस प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे, बाकी के लोग क्यों इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, बैसाखी बनाने के लिए। और जलियांवाला बाग कैसा था कि उसका एक ही एंट्रेंस पॉइंट था, वो भी बहुत सकड़ा सा, कि लोग आ सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। और बीच में एक कुआं था, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जहां से उनको संबोधित किया जा रहा था, ठीक है। तो जनरल डायर आते हैं, बाकी चारों साइड से बंद, यहां से आते हैं, यहाँ पे अपनी आर्मी सजाते हैं, और जो लोग सामने इकट्ठा थे उन पर अंधाधुंध फायर कर देते हैं, ठीक है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों की हत्या कर दी जाती है। जो लोग इस कुएं में अपनी जान बचा लेकर छुपते हैं उनके ऊपर भी ऊपर से गोलियां चलाई जाती हैं, ठीक है। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, देर वर स्ट्राइक क्लैशेस विद द। अब अंग्रेजी हुकूमत इतनी घिनौनी एक हरकत करती है जिसका पछतावा उनको आज तक हो रहा है। अभी हाल ही में वहाँ के एक आर्क बिशप आए थे, उन्होंने आकर के मत्था टेका था जलियांवाला बाग के सामने, क्षमा मांगते हुए कि हमने बहुत गलत किया था। जनरल डायर को वहाँ की सरकार इनाम और देती है कि आपने निहत्थों पर हमला किया, इसलिए हम आपको क्या देते हैं, ऑनर करते, मिलिट्री ऑनर देते हैं। ओके नाउ सो इस हादसे के अगेंस्ट में, जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के अगेंस्ट में, बहुत से लोग क्या करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रेप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, ओके, वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल द साहिब। नाउ सी, ये जो चीजें हैं, नाक रगड़ना, चलना, सलाम करना, ये ब्रिटिश कल्चर में इतनी एज सच इनकी कोई अहमियत नहीं है ना, ये वो चीज़ ये लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग ये जानते थे कि इंडियंस के लिए ये सब करना बहुत ही क्या है, गलत है। उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, ये बेइज्जती से कम बेइज्जती है ये उनके लिए, और उन्होंने हमारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट में यूज करनी बहुत पहले से आती थी, इसलिए उन्होंने हमें आपस में लड़वाया और आज देश की ये हालत हो गई, ठीक है। नाउ पीपल वर फ्लॉग्ड विद विलेजेस एंड गुर्जरवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड, सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। तो जो महात्मा गांधी ने हड़ताल वगैरह शुरू की थी 6 अप्रैल को, लेकिन देखा कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, अभी के लिए रोक दिया गया। ओके नाउ वाइल द रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड, हैज बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन्स। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू लॉन्च नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट वुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स
closer together. On one way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Empire. ठीक है, तुर्की नहीं, इसका आज का नाम तुर्की नहीं है, इसका नाम तुर्की हो चुका है. ओके, आज तुर्की को इस नाम से जाना जाता है, तुर्की के नाम से. ओके, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज साइंड वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा दैट टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर अ खिलाफत कमिटी was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, Ali brothers, began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Now Gandhi ji kya chahte the? Gandhi ji ne 6 April ko jo hartal shuru ki thi, usme sirf abhi ek hi tabke ka Bharat ka kya kar raha tha? Hartal kar raha tha, participate kar raha tha. Lekin usko kya, usko angrezon ne band kar diya tha. Ab Gandhi ji kya chahte the ki ऐसा मास मूवमेंट क्रिएट किया जाए जिससे एक तीर से दो निशाने हो जाएं. एक तीर क्या? अंग्रेजों के खिलाफ. ठीक है, सो वो क्या चाहते थे कि यूनाइट किया जाए लोगों को और हर ग्रुप के लोग आए और एक यूनिफाइड स्टैंड लिया जाए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. और ये मौका उनको कहां से मिलता है? जब दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि खलीफा, जो कि इनके स्पिरिचुअल धर्म गुरु टाइप में होते हैं इस मुसलमानों के, ठीक है, उनको वापस से उनकी पोजीशन वापस दिलवाने के लिए इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना उसमें शुरू कर दिया. अभी दोनों लोग हिंदू और मुस्लिम क्या आ चुके हैं? साथ में आ चुके हैं. ओके, इनके दोनों के मकसद अलग अलग हैं लेकिन इनका दुश्मन एक ही था. नाउ गांधी जी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders to need to start a non-cooperation movement to support the Khalifa. ये एक बहुत important MCQ है कि कौन से, बहुत बार even competitive exams में ये question आ जाता है कि कौन सा सदन में ये हुआ था, कौन सदन में वो हुआ था. ठीक है, so Congress के कौन से सदन में ये सब किया गया? तो Congress के Calcutta session में non-cooperation movement की डिमांड की गई थी अलोंग विद खिलाफत मूवमेंट. ओके, नाउ व्हाई नॉन कोऑपरेशन? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ना सिर्फ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी. गांधी डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड only because of this cooperation. यहां पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं? गांधी जी ये बोल रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ? जब अंग्रेजों को भारत का साथ मिला. ठीक है, और उन्होंने रूल क्यों किया? क्योंकि उनको भारत का साथ मिला. ठीक है, अब हमें ये जो साथ है इसी को ही हटाना है, हमें जो कॉपरेशन है इसी को ही हटाना है. फॉर दैट पर्पज ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ताकि अंग्रेजों की कमर तोड़ी जा सके, उनको हटाया जा सके. नाउ एज हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट हैड अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स. अभी स्कूल्स वगैरह तो सबसे पहले इस मोमेंट में ना बच्चों ने, खासकर जो यूथ था और जो बच्चे थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया क्योंकि स्कूलें बंद हो रही थी. ओके, नाउ हुआ क्या कि गांधी जी ने क्या बोला कि हमें सबसे पहले जो उनसे हमें मिला है, हमें सबसे पहले उसको त्यागना होगा. सो टाइटल्स क्या होते थे? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल मिला हुआ था, महात्मा गांधी को भी टाइटल नाइटहुड मिला हुआ था. ठीक है, सो ये सब जो टाइटल्स थे जो उनको मिले, जैसे सर हुआ, नाइटहुड हुआ, ठीक है, लॉर्ड का टाइटल हुआ, ऐसे कुछ टाइटल जो अंग्रेजों से हमें मिले थे, उन सबको हमें त्याग देना है. ठीक है, दूसरा सिविल सर्विस. उस समय सिविल सर्विस जो थी वो आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस नहीं, इंपीरियल सिविल सर्विसेज. ओके, जिसमें अगर सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने ऑल मतलब इंपीरियल सर्विस में 4th रैंक हासिल की थी उस टाइम पे. ओके, नाउ then in case the government used to repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Through the summer
ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अभी इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने घूमना शुरू किया, जनता से मिलना शुरू किया, ताकि क्या गेन किया जा सके, लोगों का सपोर्ट गेन किया जा सके और इसको एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट किया जा सके। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट might lead to popular violence. In the months between September and December, there were an intense tussle within the Congress. Now, होता है ना कि अगर आप कोई मास कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे यार अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो तो ऐसा होगा। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी लोग थे। उन्होंने सोचा कि अभी चुनाव आने वाले हैं, हालांकि अभी तक इंडियंस को ना ऑफिशियल सीट नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही थे, ठीक है, चुनाव आने वाले हैं, शायद हमें ऑफिशियल जगह मिल जाए तो हम क्या करते हैं, ये नहीं करते, वरना अंग्रेज हमें फिर से इनसे नॉन ऑफिशियल में रखेंगे, ऑफिशियल मेंबर्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो अभी के लिए रहने देते हैं। और इसकी वजह से कांग्रेस के अपने अंदर ही क्या चलने लगा, विवाद चलने लगा। नाउ इन द मंथ बिटवीन सेप्टेम्बर, ये हो चुका है, फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर। यानी कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एनसीएम की बात कहाँ पे की थी, कैलकटा में, मतलब आज का आधुनिक कोलकाता में, ठीक है, और कांग्रेस के बीच समझौता, कांग्रेस के सपोर्ट जो इस चीज को सपोर्ट करते थे, जो चीज और जो इस चीज के अगेंस्ट में थे, उनके बीच में नॉन कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम है वो कहां पे अडॉप्ट किया गया था, नागपुर में। ओके, सो दो सेशन है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। हाउ डिड दिस मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन, एंड हाउ डिड डिफरेंट ग्रुप्स सोशल ग्रुप कन्विंस द आइडिया ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, ये देखेंगे हम कल की वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।